पूरा लहसुन का फ्लेवर जो है बैंगन के भुरते में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। अगर बैंगन का भरता नहीं होता तो शायद ही मुझे बैंगन खाना पसंद होता। तो चलिए ट्रेडिशनल स्टाइल में एकदम टेस्टी गर्मा गर्म बैंगन का भरता बनाते हैं। जब भी आप भरते के बैंगन को खरीदे तो कम बीज वाला खरीदे, जो वज़न में हल्का हो और बड़ी साइज़ का ही खरीदे। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें कट कर देंगे। तो यहाँ से हमें कट कर देना है, चार तरफ से मैं इसमें कट लगा दूंगी। ये कट इसलिए लगाना है हमें कि जब हम बैंगन को भून लेंगे तो ये अच्छी तरह से भून जाए, और अगर ये ख़राब अंदर से हो तो वो भी हम इसे चेक कर लेंगे कट करने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि हमारा बैंगन अच्छी तरह से भून जाए। बैंगन के ऊपर सरसों का तेल ही लगाना है। सरसों के तेल का जायका भरते में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो मेरी तरह नॉर्मल तेल लगा ले। हम लहसुन को रख देंगे ताकि जब हम बैंगन को भून लेंगे तो ये लहसुन इसके साथ भुने जाएंगे, तो बहुत ही मज़े का हमारा भुरता बनेगा। पूरा लहसुन का फ्लेवर जो है बैंगन के भुरते में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें लहसुन को भर देना है। तो 5 से 6 लहसुन की कलियां मैं बैंगन के अंदर रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने रख दिया है। अब हम इसे गैस पर सेक लेंगे। तो अब हम गैस पर बैंगन को इस तरह भून लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप इस तरह की स्टैंड पर भी रखकर भून सकते हो, या कोई जाली हो तो उस पर भी रखकर भून सकते हो। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। इसके साथ ही मैं 2 टमाटर भी रख रही हूँ। ये टमाटर भी हम भून कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 से 3 हरी मिर्च को भी हम भून लेंगे जाली पर ही। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सब तरफ से भून लेना है। इस तरह से आप टमाटर को भी पलट कर भून ले। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है बैंगन का भुरता जब हम इस तरह बनाते हैं। तो बैंगन को कट करने का रीज़न ये भी है कि जब हम बैंगन को अखाई भूनते हैं तो इसमें एयर नहीं जाने की वजह से ये फट भी जाता है। तो इसमें चीरा इस तरह से कर ले ताकि ये सेके भी अच्छी तरह से जाए, और अच्छी तरह से हमें खबर भी पड़ जाए कि ये अंदर से अच्छा है कि नहीं। साथ में मिर्चियों को मैं पलट लेती हूँ। देखिए इस तरह से सब तरफ से हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। टमाटर हमारे भून चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। तो ये बैंगन हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। देखिए सब तरफ से हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे बैंगन को भी तेल लगाकर और कट कर भून लूँगी। तो मैंने बैंगन को अच्छी तरह से सेक लिया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो बैंगन हमारे अच्छी तरह से सिककर ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर के छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए तो मैंने अच्छी तरह से इसके छिलके निकाल लिए। कुछ रह भी जाए थोड़े तो कोई बात नहीं, और इसमें जो हमने लहसुन को अंदर डालकर भुना था वो भी अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब हम इसे काट लेंगे यहाँ से। इसके भी छिलके निकाल लेते हम।
देखिए इस तरह से मैंने इसके छिलके निकाल लिए। अब हम इसे काट लेंगे यहाँ से। तो ये अलग कर लिया है मैंने। टमाटर के छिलकों को भी निकाल लेना है हमें। टमाटर भी जब इस तरह से भुनता है तो बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भुर्ता बनता है हमारा। इसकी एक अलग ही बात होती है भूनकर बनाते हैं तो। हम मिर्ची की डंडियों को भी निकाल लेना है। अब हम इसे देख लेते हैं अंदर से कि ये अच्छा है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कोई बार अंदर से बैंगन ख़राब भी निकल जाता है, तो इस तरह से हम चेक भी कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे क्रश कर लेना है इस तरह से। देखिए बैंगन और टमाटर को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसमें लहसुन भी जो थे उसे भी अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें जो सेकी हुई हरी मिर्च थी वो भी काट कर डाल दूंगी। और एक कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें डाल देंगे तेल। तेल को गरम होने देंगे अच्छी तरह से। तो 3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इस सेकी हुई हरी मिर्च को मैं इसमें काट के डाल देती हूँ। देखिए मैंने इसमें काट लिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें डाल देना है थोड़ा जीरा। ये प्याज ली हूँ मैंने 3, इसे बारीक काट लिया है, वो डाल देना है। तो प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन क्रश किए हुए। क्रश किए हुए अदरक लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है इसमें। इसे भी थोड़ी देर होने देंगे। 2 बारीक कटे हुए टमाटर, तो 2 टमाटर को हमने बैंगन के साथ भी सेक कर लिया है और 2 कच्चे टमाटर डाल रही है इसमें। हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, अब ये बैंगन डाल देंगे जो हमने भुने हुए हैं। और गैस की फ्लेम को धीमी कर देनी है। गरम मसाला, नमक स्वाद के मुताबिक, और ये हरी प्याज डाल रही हूँ मैं, इसे ग्रीन ऑनियन भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दें। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से होने देंगे। ऊपर से डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। मैं यहाँ पर 1 चम्मच मूंगफली का तेल डाल रही हूँ, बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि कच्चे मूंगफली के तेल की खुशबू बनी रहे भरते में। अब हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार है, तो मैं बाजरे की रोटी भी बना लेती हूँ। बैंगन के भुर्ते के साथ हम बाजरे की रोटी खाते बहुत ही अच्छी लगती है। अभी के मॉडर्न ज़माने में बच्चों को फास्ट फूड की लत लग गई है, लेकिन उन्हें बचपन से ही
इस तरह की बाजरे की और मकाई की रोटी खिलाना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी होती है। बैंगन के भरते के साथ बाजरे की रोटी मिल जाए तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। बैंगन के भरते को आप गर्मा गर्म ही खाएं। लहसुन और मसाले की खुशबू आप इसे बनाओगे तभी आपको इसका जायका आएगा। इतना बढ़िया बैंगन का भरता बना है कि बैंगन के ताज से तो मुझे इसे डेकोरेट करना ही पड़ेगा। आप भी बैंगन के भरते को बनाएं, डेकोरेट करिए और हमारे ईमेल एड्रेस पर फ़ोटो को सेंड करें। जिसकी रेसिपी अच्छी बनेगी उसका फ़ोटो और नाम हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। साथ में मैंने मूंग की दाल और चावल की नरम खिचड़ी बनाई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।